हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। इस एक्ट्रेस ने जूही चावला की सास का रोल करने से कर दिया था इनकार। शाहरुख खान संग दी थी ब्लॉकबस्टर फिल्म। हम जिस दिग्गज अदाकारा की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डिम्पल कपाड़िया हैं। डिम्पल का जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। उन्हें राज कपूर ने तब खोजा था जब वे सिर्फ 14 साल की थी। लेजेंड एक्टर डायरेक्टर ने उन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ रोमांटिक ड्रामा बॉबी में कास्ट किया था, लेकिन उनकी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले उन्हें मार्च 1973 में सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। उस वक्त वह सिर्फ 15 साल की थी। बाद में उसी साल सितंबर में रिलीज होने पर बॉबी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। साल के अंत तक डिम्पल और राजेश की पहली बेटी ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ था। उस समय एक्ट्रेस सिर्फ 16 साल की थी। कपाड़िया ने अपनी शादी और परिवार पर ध्यान देने के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया था, जबकि खन्ना ने फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा था। साल 1977 में राजेश और डिम्पल अपनी दूसरी बेटी रिंकी खन्ना का वेलकम किया था। वहीं के शादी 5 साल के बाद 1982 में डिम्पल और राजेश खन्ना अलग हो गए थे, लेकिन इस जोड़ी ने कभी भी तलाक नहीं लिया था। 1984 में डिम्पल ने जख्मी शेर से फिल्मों में वापसी की थी। अगले 10 सालों में उन्होंने सागर, अर्जुन, जाबाज, इंसाफ और क्रांतिवीर जैसी हिट फिल्में दी। वहीं रुदाली और लेकिन जैसी उनकी फिल्में क्रिटिक्स द्वारा सराही गई थी। इन फिल्मों के साथ डिम्पल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस भी बन गई थी। बता दें कि 1995 में आई फिल्म कर्तव्य के लिए डिम्पल कपाड़िया ने संजय कपूर की माँ और जूही चावला की सास का किरदार निभाने से इनकार कर दिया था। वहीं जब दिव्या भारती को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया तो उन्होंने राज कंवर निर्देशित फिल्म के लिए हामी भर दी थी। हालांकि 1993 में दिव्या भारती की अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद फिल्म में उनकी जगह जूही चावला को ले लिया गया। हालांकि डिम्पल को लगा कि उनके और जूही के बीच उम्र का अंतर बहुत कम है, इसलिए उन्होंने कर्तव्य से किनारा कर लिया और निर्माताओं ने उनकी जगह अरुणा ईरानी को ले लिया था। 2000 का दशक शुरू होते ही डिम्पल ने अपनी उम्र के मुताबिक मजबूत भूमिकाएं चुननी शुरू कर दी थी। दिल चाहता है, दबंग, लक बाय चांस, कॉकटेल और फाइंडिंग फैनी जैसी हिट फिल्मों में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। साल 2023 में कपाड़िया ने जासूसी थ्रिलर पठान में शाहरुख खान के गुरु की भूमिका निभाई थी। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित पठान से 4 साल बाद शाहरुख की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी हुई थी और इस फिल्म ने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी की थी और ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।